पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, उसी बीच हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा है और झारखंड में सरकार दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं जमशेदपुर में सामाजिक संस्था समर्पण एक नई सोच की ओर से वैश्विक महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर बारीडीह गो चक्कर में बाजार आने जाने वाले लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। आपको बता दें कि आए दिन लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसी क्रम में समर्पण एक सोच नई दिशा की ओर से संस्था के अध्यक्ष दीपक कर्मकार और उनकी टीम द्वारा कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया गया, जहां कोरोना को हराने के उद्देश्य से सड़क पर उतरकर संस्था के सदस्यों ने बाजार आने जाने वाले लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। वहीं आते जाते राहगीरों को बारीडीह गोल चक्कर के निकट रोककर कोरोना से सतर्क रहने के लिए मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने, साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया गया। वहीं कुछ लोग बिना मास्क पहने नजर आए, जिन्हें संस्था के सदस्यों ने मास्क पहनाकर उनसे इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। आज हम लोग बारीडीह गोल चक्कर में रोड में जागरूकता अभियान अपनी संस्था की ओर से चला रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के बिना सैनिटाइजर के घर से निकल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, रोड पर उनको समझाया जा रहा है कि कोविड से किस तरह आप अपने आप को बचाएं, मास्क पहनना कितना अनिवार्य है, और उनको सैनिटाइज भी दिया जा रहा है, सैनिटाइज करने के लिए, और उनको समझाया जा रहा है कि घर से निकलते समय हम सब मास्क का प्रयोग करें और अपना हाथ को हम सब धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। ये कार्यक्रम लगातार हम लोग हर हफ्ता हम लोग चलाते थे, अभी इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे ताकि जमशेदपुर में अभी भी बहुत सारे लोग इससे भली भांति अवगत होने के बावजूद भी सही तरीके से जागरूक नहीं हो। संस्था ये काम कर रही है कि लोगों को जागरूक करें।